दोस्तों, हमारे शरीर में होने वाले कई प्रकार के दर्दों में से एक है पिंडली का दर्द। पिंडली में होने वाला दर्द अक्सर कई लोगों को परेशान कर सकता है। घूमते फिरते पैर में दर्द होने लग जाना या सोते समय भी पिंडली में ऐंठन की वजह से हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको कई तरह की सावधानियाँ बरतनी पड़ सकती हैं। दरअसल आजकल व्यस्त दिनचर्या में लोगों के मांसपेशियों में खिंचाव आना आम बात है। मांसपेशियों में खिंचाव ही पिंडली में होने वाले दर्द का कारण है। आपको बता दें कि ये परेशानी ज़्यादातर रात में होती है। इसके अलावा पिंडली का दर्द उन लोगों में होने की संभावना ज़्यादा होती है जो डेस्क जॉब से जुड़े हैं और कसरत नहीं करते। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पिंडली के दर्द के कुछ इलाज के बारे में बताएंगे। इन उपचारों को जान के आप अपनी समस्याएँ काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों उन्हें इलाज के बारे में। पहला है, नियमित रूप से पानी पिएं। अगर आप नियमित रूप से पर्याप्त पानी पीते हैं तो आपको ना केवल पिंडली का दर्द बल्कि कई अन्य समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। दरअसल हमारे शरीर में नमी को बरकरार रखने के लिए पानी बेहद आवश्यक है। जाहिर है, नमी की मात्रा से होने वाली कमी से मांसपेशियों में जकड़न, दर्द इत्यादि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इनसे आपको वर्कआउट करने के दौरान भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यही नहीं, पानी हमारे शरीर से कई प्रकार के अनावश्यक और विषैले पदार्थों को बाहर भी निकालता है। दूसरा दोस्तों, मालिश। मालिश की पूरी प्रक्रिया ऐसी है कि इससे ना सिर्फ सुकून मिलता है बल्कि कई प्रकार के दूसरे फायदे भी होते हैं। आपको बता दें कि मालिश हमारे शरीर की मांसपेशियों में रक्त संचार को तेज करता है और इसके साथ ही मालिश से मांसपेशियों में गर्माहट भी आती है। इससे लैक्टिक एसिड भी दूर होता है। मालिश करने के लिए आप पेपरमिंट ऑयल समेत कई दूसरे तेल जैसे कि अदरक का तेल, लेवेंडर तेल, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा उपाय दोस्तों, स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग नियमित रूप से किए जाने वाले व्यायाम का एक अलग पार्ट है। मांसपेशियों के तनाव को दूर करने के सबसे कारगर तरीकों में से एक है स्ट्रेचिंग, और हमारे शरीर की मजबूती और लचीली मांसपेशियों में चोट लगने की संभावना को काफ़ी कम कर देते हैं। अगर आप स्ट्रेचिंग की मदद से भी पिंडली के दर्द को दूर कर सकते हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बहुत आसानी से हो जाता है। चौथा उपाय दोस्तों, हीट थेरेपी। पिंडली दर्द के दौरान हमारे शरीर का मांसपेशियों में जकड़न, मोच और ऐंठन, ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। हीट थेरेपी इन समस्याओं का बहुत ही सुलभ उपाय है। हालांकि बहुत चोट अगर गंभीर चोट लग जाती है तो इसका इस्तेमाल ना करें, नहीं तो सूजन हो सकती है। अगला पाँचवा उपाय दोस्तों, प्रोटीन का सेवन करें। हमारे शरीर को बनाने और इसकी रिपेयरिंग में प्रोटीन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए शरीर में इसकी कमी कई प्रकार के समस्या को जन्म देती है। प्रोटीन की कमी पिंडली के दर्द के लिए भी जिम्मेदार है। इसलिए हमेशा जब भी आप कोई बहुत परिश्रम का काम करें तो प्रोटीन का सेवन अवश्य करें, क्योंकि ऐसे काम के बाद शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसके लिए आप स्प्राउट्स, दालें और अंडे का सेवन कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से प्राकृतिक तरीके से प्रोटीन का सेवन करेंगे तो आपको किसी दूसरे प्रकार का नुकसान नहीं होगा। अगला उपाय है दोस्तों, लाल मिर्च। यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन आपको बता दें कि इसमें कैप्सेसिन नाम का एक ऐसा तत्व होता है जो आर्थराइटिस, जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए पिंडली के दर्द के दौरान इसका पेस्ट बनाकर दर्द वाली जगह पर लगाएं। आप चाहें तो और बेहतरी के लिए इसमें जैतून या नारियल के तेल भी मिला सकते हैं। अगला उपाय है व्यायाम। नियमित रूप से व्यायाम करना कई रोगों को दूर करता है, क्योंकि व्यायाम करने से रक्त संचार तो नियमित होता ही है, इसके साथ ही मांसपेशियों की जकड़न भी दूर हो जाती है। जाहिर है, इन दो कारणों से पिंडली के दर्द की समस्या भी है। इसलिए नियमित व्यायाम आपको इस समस्या को दूर करने में मदद करेगा। तो दोस्तों, ये थे आज के उपाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।